एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। चुनाव की मतगणना में तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे ही राउंड में मिल गए। थर्ड राउंड के बाद उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट ही मिले। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। राष्ट्रपति देश में पहला नागरिक होता है, भारत का सर्वोच्च पद, इससे ऊपर कुछ नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती होंगी। तो अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं। भारत के राष्ट्रपति को लगभग 5,00,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति के पास स्पेशल गार्ड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति भवन की देखरेख में 200 अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलीडे रिट्रीट भी होते हैं। राष्ट्रपति को मर्सिडीज बेंज A600 पुलमैन गार्ड गाड़ी भी मिलती है। देश की सभी जरूरी संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं तो उन्हें सैलरी का आधा यानी 2,50,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। इसके साथ ही एक बंगला, 2 मोबाइल फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा भी राष्ट्रपति को दी जाती है।